संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जी हाँ दोस्तों, ये किसी और ने नहीं, हमारे युवा सन्यासी के महान पुरुष जिन्होंने भारतीय संस्कृति को हर एक देश में फैलाया, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। आइए जानते हैं उनके बारे में कि उनसे हमें क्या प्रेरणा मिली, किस तरह से उनका जीवन शुरू हुआ और कैसे उन्होंने अपने देश की गरिमा को बढ़ाया। स्वामी जी का पूरा नाम नरेंद्र नाथ विश्वनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। सब उनको बचपन में नरेंद्र नाम से पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि कोलकाता के हाई कोर्ट के बहुत ही रेप्यूटेड जाने माने वकील थे और उनको अंग्रेजी और फारसी भाषा बहुत अच्छे से आती थी। वहीं विवेकानंद जी की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो कि बहुत ही धार्मिक महिला थी, जिनको रामायण और महाभारत जैसी पुस्तकों में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त था। इसी के वजह से वो स्वामी विवेकानंद को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी और कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने में स्वामी विवेकानंद जी का उनकी माता का बहुत बहुत बड़ा सहयोग है। कहा जाता है कि नरेंद्र नाथ बचपन से ही बहुत नटखट और काफ़ी तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। उनका प्रतिभा ऐसा था कि जो एक बार उनके सामने से गुजर जाए वो उसको जीवन भर नहीं भूलते थे। उनकी माता हमेशा कहती थी कि मैंने शिवजी से एक पुत्र की प्रार्थना की थी और उन्होंने मुझे तो एक शैतान ही दे दिया। स्वामी जी बचपन से ही ध्यान लगाया करते थे, कभी वो शिव जी, कभी वो सीता माता और कभी वो राम जी की साधना में लीन हो जाते थे। 1871 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बनाए हुए मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन हुआ, जहाँ से उनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई। कुछ साल बाद 1877 में ही जब वो तीसरी कक्षा में थे, तब उनके पढ़ाई बाधा आ गई क्योंकि उनके परिवार को किसी भी कारण से रायपुर जाना पड़ा था। साल बाद वापस लौटने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और प्रेसिडेंसी कॉलेज में इंट्रांस परीक्षा दिया, जिसमें वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न लाया था। अपनी प्रतिभा और अपने ध्यान के द्वारा उन्होंने 3 साल की पढ़ाई 1 साल में ही कंप्लीट कर ली थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 1884 में उन्होंने कला विषय पर भी ग्रेजुएशन का डिग्री पाया था। उसी साल 1884 में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में बहुत दुखद घटना हुई और उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी सारी घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। मैं आपको एक बात बता दूं कि उनके 9 भाई बहन थे और उनको सबको देखने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। इस चिंता में जाकर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भेंट की और उन्होंने उनको एक बहुत अच्छा धार्मिक रास्ता दिखाया। उसी रास्ते पे स्वामी विवेकानंद जी चल पड़े। आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि उन्होंने बंगाली भाषा की भी बहुत अच्छी परख रखी थी कलकत्ते में जन्म होने के कारण, और उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली अनुवाद किया था। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद जी ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया और उसके बाद पूरे भारत की पैदल यात्रा करने को निकल पड़े। पैदल यात्रा करने के दौरान उन्होंने देखा कि भारत का कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और इसको उन्होंने ठीक करने की कोशिश की। 1893 में उनको चिकागो में बुलाया गया। अमेरिका में पहुँचते ही उन्होंने सबसे पहले कहा था, भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके बाद लगातार 2 मिनट तक तालियां बजी थी, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि सब लोग उनके अपने हैं। अगर हम हर चीज़ को रिश्ते से जोड़ दें तो हमारे साथ कभी भी कोई पराया व्यवहार नहीं करेगा। भाईचारे की भावना उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी कई देशों में फैलाया था। स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बड़ी फॉलोअर सिस्टर निवेदिता है। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद कोलकाता वापस लौटे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1898 में बेलूर मठ की स्थापना हुई थी। 4 जुलाई 1902 को महज 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई।
वही उनके शिष्यों की माने तो उन्होंने महासमाधि ली थी, क्योंकि उनको पहले से ही भविष्यवाणी थी कि वो 40 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे। वही इस महान पुरुषार्थ वाले महान पुरुष को अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया था।